आइए मैं बात करूं मनुष्य की उत्पत्ति और विकास। मानव की जो उत्पत्ति हो जाए विकास के अंतर्गत हर तरह के ऑर्गेनिज्म का आप देखा उत्पत्ति उद्भव, तो मानव के बारे में भी जानना जरूरी होता है। आइए मैं उसकी उत्पत्ति और विकास पर जानकारी दूं, जिसको आप इंग्लिश में सिंपल सा कह सकते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ। मानव के बारे में कहा जाता है ऐसी प्रजाति है हमारे धरती पर जो अपने समृद्धि की प्राप्ति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए पूरी प्रकृति पर सफलता पाने की कोशिश की और आज के डेट में विजय हो गया, पराजय में विजय हो गया। मानव ऐसे सशक्त प्रजाति है। अगर इसको अगर देखा जाए, इसका वर्गीकरण किया जाए, तो वर्गीकरण के आधार पर इसको कैसे कैसे बांटा जाता है, उस वर्गीकरण को इसको मैं समझाता हूं। इसके वर्गीकरण मैं आपका मानव की वर्गीकरण में कर रहा हूं, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। इसका सन अगर कोई पूछता है तो आप कॉर्डिनेटर कहते हैं, उसी तरह इसका समूह अगर पूछता है आपसे कोई, कशेरुकी ग्रुप को कहते हैं आप वर्टिब्रेटा। ऐसे ही आपका कोई उपसंग इसका पूछता है, नाथोस्टोमाटा आप कहते हो। बचपन में ये सब पढ़े होंगे, अगर इसका क्लास कहता तो स्तनधारी। किस वर्ग का ये प्राणी है? मैमेलिया का। गन इसका प्राइमेट है। कुल होमिनिडी है। अगर वंश को पूछता है होमो, और जाति स्पेसिफिक पूछता है सेपियंस। इस रूप से इसका अगर बायोलॉजिकल नाम आप जानते हैं मानव का, तो होमो सेपियंस कहलाता है। इस परिक्रमण में सजाते हैं कॉर्डेटा संका सीव होता है, कशेरुकी ग्रुप में वर्टिब्रेटा ग्रुप में रखा गया। इसका उपसंग नाथोस्टोमाटा कहा जाता है। हस्तधारी वर्ग का प्राणी होता है मानव, प्राइमेट होते हैं मानव, और होमिनिडी कुल से संबंधित होते हैं। इसका वंश होमो और जाति सेपियंस यानी बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है। आपको मैं बता दूं, लंगूर जिसको ऐप कहते हैं, कपी भी कहा जाता है, लंगूर है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, इनसे कहीं ना कहीं मानव की कई तरह की समानताओं को देखा गया है। किस आधार पर प्रमाण मिले? कोशिकीय, आणविक, आकारिकी, ऐसे ऐसे बहुत तरह के संरचनाएं हैं जिसमें समानताएं देखी जाती है, उसको मैं बताना चाहता हूं। जिसके कारण मैं बता रहा था मानव का पूर्वजता यानी कि उसके पूर्वज, तो कहीं ना कहीं लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला से मानव का संबंध बताया जाता है। इनकी समानताएं देखा जाता है आकारिकी रूप में, जो कि मैं अलग अलग बताऊंगा, कोशिकीय रूप में, आणविक रूप में, रासायनिक आणविक रासायनिक जो होता है भ्रूणीय रूप में, इसमें कई तरह की समानताएं देखी जाती है मानव और इसमें, जिससे स्पष्ट कह सकते हैं कहीं ना कहीं चिंपांजी और गोरिल्ली, ये सब जो है चिंपांजी गोरिल्ला मानव से कहीं कहीं नजदीकी संबंध रखते हैं। इसको मैं बताता हूँ प्रमाण करके आकारिकी। आपको मैं समानताएं के आधार पर एक समानता बता रहा हूं, आकारिकी की समानताएं यानी लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला, इनसे मानव की जो समानता हम देखते हैं, संबंध देखते हैं, तो कोई कोई सिमिलरिटीज पर देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज में आप देखते हैं, उन सभी में आप कॉमन चीज देखेंगे, पूंछ की अनुपस्थिति देखेंगे, पकड़ने के लिए हाथ होता है अग्रपाद जिसको आपका चफोड़ ले, द्विपादी आगमन दो पैरों से चलता है सभी, आंखों के ऊपर आईब्रो उभार पाया जाता है, चेहरे की पेशियां पाई जाती है इन सब में, मादा में मासिक चक्र होता है, इन सब की समानताओं को आप आकारिकी समानता कहते हैं। और आकारिकी की समानता के आधार पर आप कहीं कहीं लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला को आप मानव से संबंधित जीव बता सकते हैं। आइए दूसरा समानता बताता हूं, आपको मैं बता रहा था कि समानताओं के आधार पर ही आप इन सबको एक समान संबंधी किसी न किसी रूप से आप कह सकते हैं, या इन सबका पूर्वज में आप समानता बता सकते हैं। अब देखिए कोशिकीय रसायन समानता जिसको आप साइटोकेमिकल सिमिलरिटीज कहते हैं, इसमें देखिए एक एक करके मैंने आपको बताया,
डीएनए की मात्रा, जो डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ, इन सब में देखा था डीएनए एक समान मात्रा में होती है। डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अनुक्रम में भी समानता देखा जाता है। मनुष्य में आप 46 गुणसूत्र देखते हैं, लेकिन लंगूर है, चिंपांजी है या गुरिल्ला है, उसे 48 गुणसूत्र होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। एबी और एक्स समूह में समानता होता है। हिमोग्लोबिन एचबी का जो अनुक्रम होता है, एचबी का व्यवस्था क्रम होता है, उसमें समानता देखा जाता है। और आप देखते हैं मानव और चिंपांजी के साइटोक्रोम में एमिनोसिड का अनुक्रम जो होता है उसमें भी समानता। इतनी सारी सिमिलरिटीज से हम कह सकते हैं इन सब का पूर्वज कोई एक था। और भी मैं बताता हूँ, भ्रूणीय समान। आपको मैं बता रहा हूँ एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज, इसमें भ्रूणीय अवस्था जो इन सब का, लंगूर हो, गोरिल्ला हो या चिंपांजी हो या मानव हो, इनका जो भ्रूणीय विकास होता है उसमें 100% एक दूसरे में समानताएं होती है। यहां तक कि भ्रूण का जो सातवां महीना होता है, गर्भ का जो सातवां महीना होता है, उस समय अगर देखा जाए अच्छे अच्छे विद्वान भी इनमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते। अर्थात इतनी सारी सिमिलरिटीज के कारण हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन सब के पूर्वज कोई एक थे। अर्थात इन सब से मानव का कहीं कहीं गहरा और नजदीकी संबंध है। इस तरह से मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लंगूर और यानी कपि और मानव में विभिन्नता अंतर, उसको मैं समझाता हूँ। आइए मैं कुछ अंतर बताऊं कपि और मानव में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप भी जानते हो कपि पूर्ण रूप से सीधा नहीं रहता है, वह आंशिक रूप से झुका हुआ था। वही मैंने दिया यहाँ आधी सीधी शरीर स्थिति, इसका मानव का पूर्णतः सीधा शरीर स्थिति होता है। ऐसे ही आप देखो गति करने वक्त घुटने का झुकाव होता है लंगूर में, कपि में, लेकिन मानव सीधा, इसका जो सीधा गति होता है इसमें झुकाव नहीं होता है। अग्रपाद आप देखोगे, हाथ को अग्रपाद कहते हैं। इस अग्रपाद को आप देखोगे तो लंगूर का ज्यादा लंबा होता है बनस्पत पैर के, मानव में आप देखोगे अग्रपाद पैर से छोटे होते हैं। ये अंतर। बाहर निकला हुआ लंगूर में बाहर निकला हुआ फेस आगे की ओर निकला हुआ रहता है, इसको प्रोगैंथस फेस कहते हैं, लेकिन मानव में ये टुड्डी जो देखते हो ये अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, जिसको ऑर्गेंथस फेस कहते हैं। इस तरह से नाक, उसमें लंगूर देखोगे आप चपटी रहता है, टोडी रहता ही नहीं है। मानव में देखोगे नाक हल्का सा उबड़ा हुआ और टोडी उपस्थित रहता है। इतना ही नहीं, आप कृंतक दांत जो होते हैं कैनाइन, जिसको आप राक्षसी दांत कहते हैं, वह थोड़ा सा आकार में बड़े होता है, लेकिन मानव में आकार में अपेक्षाकृत छोटे होता है। शरीर पर अत्यधिक बाल वाला घिरा होता लंगूर का, कपि का, लेकिन मानव में कहीं कहीं बाल की उपस्थिति होती है। इस तरह से आप अंतर समझ सकते हो। आइए मैं क्रमिक विकास बताता हूँ। मानव का जीवाशय प्रमाण दिखाना चाहता हूँ, फॉसिल्स, पैलियोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। यह इसका सबसे अच्छा प्रमाण मिला, क्योंकि जब जीवाश्म मिलता है उसका स्टडी करके आप एक एक करके बताते हैं। इसका निम्नलिखित प्रमाण है, एक एक करके आप स्टेप स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला जो प्रमाण मिला ड्रापिथिकस के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहा था इसका जीवाश्म प्राप्त किया गया था अफ्रीका, यूरोप और एशिया से लगभग 15 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उपस्थिति धरती पर पाई गई है। इसके शासक कहा था ये आधे सीधे चलते थे, इनमें तुतुन सनाउट उभार था उसमें। देखा जाता है इनका जबड़ा और दंत विन्यास कपि यानी लंगूर के समान मिलता जुलता था। इनमें भावों में उभार अनुपस्थित था। अग्रपाद और पश्चपाद, हाथ और पैर में आकार में लंबाई में समानता देखी गई। इनमें हाथ और खोपड़ी का कपि से मिलता जुलता देखा गया, लेकिन अग्र सिर फोरहेड जो था यह मानव से मिलता जुलता था। इसे पूर्व मानव भी कहा जाता, ध्यान रखेंगे, इसे पूर्व मानव भी, पूर्व मनुष्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानव का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। आइए दूसरा जीवाश्मीय प्रमाण बताऊं, दूसरा बताऊं रामापिथेकस। रामापिथेकस ड्रापिथेकस के बाद देखा जाता है कपि से अधिक यह मानव के समान दिख रहा था। इसका जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ी अफ्रीका और यूरोप से प्राप्त किया गया। लगभग कहा जाता है इसकी उपस्थिति 8 से 15 मिलियन वर्ष धरती पर इसकी उपस्थिति बताई जाती है। कहा जाता है कपि से अधिक मानव के समान थे, ये दो पैरों पर चलते थे, इनका भी तुतुन उभड़ा हुआ था, प्रोगैंथस चेहरा था। इतना ही इनके बारे में कहा जाता है ये दंत विन्यास का मानव के समान था, शाकाहारी थे, ध्यान रखेंगे, शाकाहारी थे, अखरोट बीज घास खाने के योग्य इनका दंत विन्यास था, अर्थात ये शाकाहारी जीव प्राणी माने गए। आइए मैं तीसरा जीवाश्म प्रमाण बताता हूँ।
आइए मैं तीसरा बताता हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, जीवाश्म प्रमाण। इसका जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है हमारी धरती पर 1 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उपस्थिति देखी गई। लेकिन शिशु का जीवाश्म प्राप्त किया गया था दक्षिणी अमेरिका के गुफा से और उस शिशु को नाम दिया गया था टॉम बेबी, इस नाम जाना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कहा था ये सर्वाहारी हुआ करते थे, प्रारंभ में पत्थरों और हड्डियों के बने औजार से शिकार करते थे, लेकिन इनका मुख्य अगर पोषण आहार पूछा जाता वह फल मुख्य रूप से था। इनका देखा जाता है कपालीय आयतन जिसको मस्तिष्क कोष आयतन कहते हैं, क्षमता कैपेसिटी अप्रॉक्स आपके सामने 400-600 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 सेंटीमीटर था। इनके बारे में कहा था कपित था मानव के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। कुछ इसमें समानता मानव का, कुछ इसमें गुण कपी का, इसलिए इनको कपी और मानव के बीच का संयोजक कड़ी कहा गया। जिसे मैं यहाँ व्यक्त किया हूँ, द्विपादीय गमन पैर दोनों पैर से चलते थे मानव समान, लेकिन घुटने में झुकाव था वो लंगूर के समान। सिर का भाग कपी के सदृश था लेकिन शेष भाग मानव के समान था। दंत विन्यास मानव के समान था, चेहरे पे उभार था लेकिन चेहरा इनका प्रोगैंथस था, दोनों का उभार होने के बावजूद भी। इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव और कपी के बीच का कड़ी माना जाता। जीवाश्म प्रमाण में आपका चौथा मैं बता रहा हूँ होमो हैबिलिस, जिसको एक फर्स्ट ह्यूमन भी कहा जाता, प्रथम सत्य मानव के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा था 2 से 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर उपस्थिति इसकी थी जीवाश्मीय रिकॉर्ड के अनुसार। कहा था इसके बारे में शरीर की लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर और भार वजन देखा गया 40 से 50 केजी के आसपास, जिसमें देखा गया मस्तिष्क कोष आयतन उससे थोड़ा ज्यादा 650 से 800 सेंटीमीटर था। मानव के समान इसका दंत विन्यास था, दो पैरों पर सीधा चलने के तरह जो मानव का है वैसा द्विपादीय गमन इसमें देखा गया। इनमें पत्थरों और हड्डियों को तराश कर नुकीले हथियार बनाने योग्य मानव के रूप में इसको जाना जाता है। इसे प्लेस्टोसीन मानव के रूप में भी जाना जाता है। कहा था तेज हवा वर्षा जंगली जंतुओं से बचने के लिए अपने बचाव के लिए ये शरण स्थल यानी कोई ऐसा जगह ढूंढते थे जहां ये बच सके, इस तरह का इनका स्वभाव था। ऐसे जीवाश्म प्रमाण के बाद मैं नेक्स्ट जीवाश्म प्रमाण पर चलता हूँ। होमो इरेक्टस इरेक्टस नेक्स्ट जीवाश्मीय रिकॉर्ड इसको मिला। इसमें देखा इलेक्ट इलेक्ट मतलब खड़ा होना, इसे जावा मानव कहा जाता है। जावा मानव इसलिए कहा गया डुबोइस नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रल जावा के गुफा से प्राप्त किया था इस तरह के जीवाश्म को, इसलिए जावा मैन के नाम रखता है। लेकिन मेयर नामक वैज्ञानिक इसका नाम होमो इरेक्टस इरेक्टस रखा क्योंकि सीधा मानव भी कहा जाता, सीधा चलते थे, इसे इलेक्ट इलेक्ट मतलब सीधा होता है। इसकी उपस्थिति कही जाती है 1.7 to 0.25 मिलियन वर्ष धरती पर इसकी पूर्व उपस्थिति थी ऐसा माना जाता है। कहा कि इनका शरीर ऊंचाई 150-170 सेंटीमीटर लगभग, शरीर वजन 154 पाउंड, आप लगभग इसको मान सकते हैं 60 केजी के आसपास, 62 केजी के आसपास। सीधा गमन करता था, इसे सीधा मानव कहा जाता है। इनका आकार बड़ा था जो स्पष्ट दिख रहा, ऊंचाई इसकी उबड़े चेहरे वाले थे, नाक चपटी थी, ओठ मोटा था। इनका मस्तिष्क कोष आयतन लगभग देखा गया 850-900 ग्राम सेंटीमीटर। आग का उपयोग करने वाला प्रथम आदि मानव माना जाता है ये। कहा जाता है ये पत्थरों सरल यंत्रों हथियारों का इस्तेमाल करने वाले थे, मांसाहारी थे क्योंकि यह नरभक्षिता का भी प्रमाण मिला, मांस को खा जाते थे, इसको मांसाहारी पूर्वज माना जाता है जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार। नेक्स्ट मैं और जीवाश्म बताता हूँ। नेक्स्ट जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर देखा गया होमो इरेक्टस पैकेटेंसिस नाम रखा, जिसको पैकिंग मानव के नाम से भी जाना जाता है। बीजिंग में पैकिंग के पास गुफा से प्राप्त किया था इसका जीवाश्म, इसका पैकिंग मानव कहा जाता है। इसका मस्तिष्क कोष आयतन लगभग 900-1300 ग्राम सेंटीमीटर था। इसका देखा जाता रहन सहन गुफाओं में इसका मिला, जीवाश्म गुफाओं में रहते थे। इनका आकार छोटा हुआ करता था। कहा था इनके द्वारा नुकीले औजारों का उपयोग किया जाता था। इनका मस्तिष्क का आकार बड़ा होने कारण, इनकी क्षमता अधिक होने कारण जावा मानव से इन्हें अधिक बुद्धिमान कहा जाता था। आइए अगले जीवाश्म रिकॉर्ड पर मैं फोकस बात करूं, होमो सेपियंस नियंडरटालेंसिस। एक्चुअली इस तरह के जो होमो सेपियंस हो रहा है आधुनिक मानव के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसका अलग से प्रजाति में बता नियंडरटालेंसिस, जिसको नियंडरथल मैन भी कहा जाता है क्योंकि जर्मनी के नियंडरथल घाटी से इसका जीवाश्म प्राप्त किया गया था। इसकी उपस्थिति के बारे में कहा था पृथ्वी पर 40,000 से 10,000 मिलियन वर्ष पूर्व इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। कहा था इसको प्लेस्टोसीन मानव कहा था क्योंकि प्लेस्टोसीन एरा के ये युग था जहां पर इनकी उपस्थिति देखी गई थी। कहा था इनकी शरीर ऊंचाई लगभग 150 सेंटीमीटर, इनका मस्तिष्क कोष का आयतन कैपेसिटी 1400 घन सेंटीमीटर था, जो कि आज के डेट में मानव था मिलता जुलता।
अग्र सिरा ढालवा यानी झुका हुआ, पीछे का सिर, पीछे का जो खोपड़ी था ऊपर की ओर उभड़ा हुआ था। इसके साथ साथ इनमें एक विशेष रूप का देखा गया गुफाओं में या झोपड़ी की तरह बना हुआ संरचना में रहने का इनका जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चला। कहा जाता है इनके बारे में अपने मृतक शरीर यानी जो शव होता है मरा हुआ शरीर, इनको ये जमीन में दफन करते थे। यानी कुछ ऐसे संस्कार, ऐसी रीति रिवाज इनमें आने लगी जो कि मानव में आज मौजूद है। इसलिए इस जीवाश्म रिकॉर्ड के बाद मैं दूसरा रिकॉर्ड में चलता हूँ। नेक्स्ट जीवाश्म रिकॉर्ड पर मैं लेके चलू होमो सैपियंस फॉसिलिस नाम है इसका। इसको क्रोमैग्नन मैन के नाम से जाना जाता, कॉमन नेम, क्योंकि फ्रांस के व्यवस्था क्रोमैग्नन के चट्टानों से इसका जीवाश्म प्राप्त किया गया था। इसके बारे में कहा था इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, कद काठी मजबूत थी, चौड़ी थी। कहा था इनका मस्तिष्क कोश का आयतन 1650 सेंटीमीटर था, इनके जबड़े मजबूत थे, संकरी नाक थी, ऑर्गेंथोस यानी कि आज के मानव की तरह चेहरा इनका दिखता था, फेस चेहरा। कहा गुफाओं में रहते थे, इनके द्वारा कुत्ता पाला जाता था, शरीर रक्षा के लिए अलग अलग जीव जंतुओं को खाल को वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते थे, हाथी दांत के गहने पहनते थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है ये मृत शरीर को जमीन में दफन करते थे और इनके द्वारा अच्छी गुफा पेंटिंग का भी प्रमाण कुछ मिलता है। आइए जीवाश्म रिकॉर्ड पर लास्ट लेके चलूं मैं आपको। आइए मैं बात करूं आधुनिक मानव जिसको आप होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जिसको आप मॉडर्न मैन के नाम जानते हैं। कहा था कैस्पियन सागर के पास विकसित होकर विभिन्न दिशाओं में ये फैल गए। इनके बारे में प्लिस्टोसीन मानव भी कहा था, क्योंकि प्लिस्टोसीन ईरा यानी आधुनिक ईरा का ये मानव है जो प्राणी के रूप में सीधा पुंतर सीधा खड़ा मुद्रा इनका शरीर होता है। कहा था इनका चेहरा सुंदर चौड़ा ललाट चौड़ा रहता है और कपाल उठा हुआ, अभिशिरा उठा हुआ। मस्तिष्क कोश आयतन 1400 घन सेंटीमीटर। ये शिकारी से उत्पादक बन गए, कृषि का आरंभ हुआ, पशुपालन भी करने लगे। इनमें सभ्यता संस्कृति धर्म अपना जीवन में स्थान बनाया, सामाजिकता। इसके साथ साथ ये पशुपालन भी करने लगे और कहा जाता आधुनिक मानव सांस्कृतिक जैव विकास करता, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करता है। इसका मैं एक सिंपल सा रोल तैयार करके बता देता हूँ। मैंने आपको इस तरह के वीडियो में 7 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो में 8वां एक्सरसाइज बताऊं।